जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रजा वुड वर्क। दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग कुछ ये हमारी वुडन कलर में है और ये 2 मीटर इसकी चौड़ाई है और लगभग इसकी 20 मीटर लेंथ है। और ये अपनी अच्छे से हम एक कमरे में डालने जा रहे हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें विनाइल फ्लोरिंग के साथ साथ एक बोस्टिक चाहिए होता है, फेविकोल SR 505। याद रखने वाली बात है दोस्तों, फेविकोल SR 505 ये स्पेशल विनाइल फ्लोरिंग के लिए ही होता है। और हम इससे इसी फेविकोल से आज अपने रूम के अंदर पूरी विनाइल फ्लोरिंग पेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा फ्लोरिंग है वो हमने प्लाई बोर्ड से पहले तैयार किया हुआ है और प्लाई बोर्ड के ऊपर ही हम आज विनाइल फ्लोरिंग फिक्स करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने फ्लोर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लोरिंग के नीचे डस्ट आ गई तो उसकी वजह से हमारी फ्लोरिंग बबल कर जाएगी। दोस्तों पहले फ्लोरिंग को हम बिना पेस्ट किए हुए अच्छे से फ्लोर के ऊपर सेट करते हैं, ताकि अपने जितने भी खांचे वाँचे होते हैं वो प्रॉपर हम कटिंग कर सकें। और इस तरह से हम इसको डालने के बाद पहले हम फ्लोरिंग को कटिंग करते हैं, साइज बनाते हैं। साइज बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक पेपर कलम। पेपर कलम से हम कटिंग करते हैं, पेपर कलम से और एक पट्टी की मदद से हम जैसे। दोस्तों विनाइल फ्लोरिंग सेट करने के बाद, अपना कटिंग होने के बाद हम लगाते हैं SR 505। हम दोनों साइड लगाते हैं और दोनों साइड लगाने के बाद हम फ्लोर को एक लकड़ी पे अपनी गद्दी बना करके, पेपर आप कपड़ा भी लगा सकते हो, इससे इस तरह से हम इसको प्रेस करते हैं ताकि ये अच्छे से फ्लोरिंग प्लाई के साथ बिल्कुल चिपक जाए। तो कुछ फाइनल लुक इस तरह की आती है पूरा विनाइल फ्लोरिंग पेस्ट करने के बाद। देखिए क्या ज़बरदस्त लुक आई है, कहीं से भी आपकी विनाइल फ्लोरिंग में बबल नहीं है।